नमस्कार दोस्तों, मैं मानसु पांडे, जैसा कि आप लोग जानते हैं निशान शेखर चैनल पे आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। आज मैं UPSI रीजनिंग का सिलेबस आपको बताऊंगा, उसके बाद पिछले साल आए पेपरों का एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा। अगले क्लास से आपकी रीजनिंग रेगुलर होगी। रीजनिंग UPSI में रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 40 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, 40 का 40 क्वेश्चन आपको एक समूह दे सकता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कंसेप्ट समझना होगा। कुछ चैप्टर हैं पिछली बार SI में बैंकिंग से आए हैं, उनको ध्यान से देखना होगा। 4 से 5 क्वेश्चन वहां से आपके मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर हैं जो आप लोग कुछ जानते भी होंगे, कुछ उसमें इम्प्रूव होगा ट्रिक के साथ, कुछ बेसिक पढ़ेंगे। और कुछ बैंकिंग के जो क्वेश्चन पिछली बार आए थे, UPSI के जितने बच्चे थे, मैंने ये पिछली बार एग्जाम दिया था, तो बैंकिंग का क्वेश्चन आने की वजह से बहुत लोगों को रीजनिंग में अब दिक्कत हुई थी। तो आइए देखते हैं रीजनिंग का पहले सिलेबस, जो UPSI के तरीके से तैयार किया गया है, UPSI के लिए सिलेबस है। पहला चैप्टर आता है हमारा कोडिंग रिकोडिंग टेस्ट। आप लोग इस चैप्टर से सभी लोग परिचित होंगे। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट हमारा पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर आएगा एनालॉजी टेस्ट, सदृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। इस पढ़ेंगे इसके आगे सीरीज टेस्ट। सीरीज मैथमेटिकल भी होगी, अल्फाबेटिकल भी होगी, वर्ड में भी आएगा। सीरीज टेस्ट, सीरीज टेस्ट अल्फाबेटिकल आ सकता है, मैथमेटिकल आ सकता है। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड का आ जाएगा, ABCD करके आ जाएगा, ए पहले रहेगा, बी पहले रहेगा, सी रहेगा, ऐसे सेट करना पड़ता है। उसके बाद आता है चैप्टर वेन डायग्राम। आप लोग इससे परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं परिचित होंगे, क्लास में आइएगा, आपका एक एक प्रॉब्लम हल होगा, कोई भी प्रॉब्लम छोड़ी नहीं जाएगी। पांचवा हमारा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाना, गुणा भाग साथ में, जोड़ घटाना साथ में, कुछ भी करके एक सीरीज चलेगी। सीरीज का ही है लेकिन सीरीज से थोड़ा अलग कर दिया गया है इसको। उसके बाद आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी आप लोग परिचित होंगे, SSC का एग्जाम जो देते होंगे, UP पुलिस का एग्जाम देते होंगे, UP लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, सभी में आता है रक्त संबंध। उसके बाद आता है डाइस पासा। फिर अगला चैप्टर है दिशा परीक्षण, दिशाओं का ज्ञान इसमें पढ़ाया जाएगा। आपकी एक एक प्रॉब्लम यहां से हल कर दी जाएगी। आती है बैठक व्यवस्था, रैंकिंग क्रम। अगला चैप्टर है बैठक व्यवस्था। उसके बाद आता है पजल। पहली बार UPSI में पिछली बार पजल पूछा था, और पजल बहुत लंबे लंबे होते हैं। पजल से 2 क्वेश्चन था, 5 नंबर आपको पजल एक समूह दे के जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं, समय लेते हैं, लेकिन अगर पजल आपको समझ में आ गया एक बार तो आपको एक समूह नंबर दे के जाएगा, गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। अगला चैप्टर आता है चित्र गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर। त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, वर्ग में कितने वर्ग हैं, आयत और वर्ग एक ही है बना देगा, पूछेगा कितने आयत और कितने वर्ग हैं, आयत और वर्ग के बीच का अंतर क्या है। अगला आता है कथन व तर्क। 2-3 सालों में, 4 सालों में इन सब चैप्टरों का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। पहले तो इधर से हमें बहुत क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन अभी 4-5 सालों के बीच में जो एग्जामिनर है, जो पेपर बनाते हैं, उनको इन सब चैप्टरों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप कर रहा है। कथन एवं तर्क अगला चैप्टर है, कथन व कार्रवाई, फिर कथन एवं निष्कर्ष। ये 3 अभिकथन के दौरान, अभिकथन और कारण, ये 5 चैप्टर हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इन 5 चैप्टर से कुछ ना कुछ तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7-8 क्वेश्चन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, गलत होने की संभावना 1% की भी नहीं होती है।
यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन एक समूह एक ही जैसे लगभग ये चैप्टर है। यहाँ से आपको हूबहू क्लास से आपके पढ़ाए हुए उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का टाइप या क्वेश्चन नहीं चेंज होगा, आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपको ये लगेगा। आप पिछले एसआई का पेपर उठा के देखिएगा, मेरे हाथ में पेपर है आपके एसआई का 13/12/2017 तीसरी पाली का, तो मैं आपको पेपर हल करवाते चलूँगा साथ साथ चैप्टर वाइज। उसके बाद जैसे ही आपका रीजनिंग का हर एक चैप्टर ख़त्म होता है तो जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2017-2011 सब मैं यहाँ कराऊंगा। उसके बाद दिखाऊंगा कि मेरे नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगला चैप्टर आता है न्याय निगमन। न्याय निगमन से आप लोग परिचित होंगे, एमपी पुलिस में न्याय निगमन का अहम रोल होता है। एमपी पुलिस में 8 से 9 क्वेश्चन केवल न्याय निगमन से आते हैं। न्याय निगमन का अहम रोल होता है। जो लोग एमपी पुलिस देते होंगे या दिए होंगे कभी उनको इसके बारे में जानकारी होगी। फिर आता है असमानता। असमानता दे देता है 5 या 4 विकल्प दे देगा, समानता और असमानता छांटने के लिए दे देता है। तो उसमें गुणों से समानता, चित्रों से समानता, उनके व्यक्तित्व से समानता, उनके विचार से समानता, रंग स्वाद, इन सब चीज़ों का इसमें मिश्रण होता है। आता है मशीन आउटपुट इनपुट। देखिए एक ये ऐसा चैप्टर है मशीन आउटपुट इनपुट बैंकिंग का, अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता था। यूपीएसआई 2017 छोड़ दिया जाए तो 2017 यूपीएसआई में जितने भी बच्चे एग्जाम दे के आते थे या जिनको देना था, ये एक चर्चा का विषय बन गया था कि मशीन आउटपुट क्वेश्चन आता कैसे, इसको करते कैसे हैं, क्योंकि कभी क्लास इसकी होती नहीं थी और ऑनलाइन कोचिंगों में तो बिल्कुल नहीं होती है। ऑनलाइन में तो कुछ लोग पढ़ा भी देते हैं, ऑनलाइन कोचिंगों में इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कहते हैं टीचर बुक से पढ़ लेना, बुक में आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है यूपीएसआई के दृष्टिकोण से आपको 5 क्वेश्चन देके ही जाएगा। 5 क्वेश्चन मतलब 25 नंबर होता है और 25 नंबर एक कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। अगर आप 3 ही क्वेश्चन एक तरफ से देख लीजिए तो 3 क्वेश्चन आपको दे देगा 10.5 नंबर, 10.5 नंबर, 12.5 नंबर बहुत होते हैं एक कंपटीशन में, एक कंपटीटिव एक छात्र के लिए। उसके बाद आता है अभिक्रिया परीक्षण। अभिक्रिया परीक्षण भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक माध्यम से समझा दिया जाएगा। तो ये रहा आपका यूपीएसआई का पूरा सिलेबस रीजनिंग का, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेंगे मशीन आउटपुट इनपुट से, न्याय निगमन, कथन व तर्क, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, अभिकथन के दौरान और अभिकथन के कारण। यहाँ से हमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। मैं मात्र 7 चैप्टर पढ़ने से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर अच्छे से आपका बेस मजबूत हो तो आप इन सब क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बार स्टूडेंट जो भी यूपीएसआई का एग्जाम देकर निकल रहे थे, बस उनका एक ही क्वेश्चन था, एक ही उनके दिमाग में ये थी कि मशीन पुट आउटपुट आया क्यों नहीं, सिलेबस में तो था नहीं। यूपीएसआई का सिलेबस हकीकत में आपने देखा होगा, उस सिलेबस में मशीन आउटपुट इनपुट का, अभिक्रिया परीक्षण का और अभिकथन और कारण का कोई चर्चा ही नहीं। सिलेबस कहीं से भी पूछ सकता है। आयोग जो है अपने उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस दिया था उसके बाहर से, सिलेबस तो हमारे कोचिंगों ने कंप्लीट करवाया था, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी कोचिंग है सबने अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया था, लेकिन 3 से 4 चैप्टर जो हैं ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में था नहीं। और पिछले बार एसआई में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। किसी भी शिफ्ट का, किसी भी दिन का, किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा के आप देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से रहे हैं। तो मैं अभी आपको एक आध दो क्वेश्चन करवा दूंगा पिछले पेपर का, आप देख के बताइएगा कि क्या आपके सिलेबस से बाहर का आता है क्या। मैं अभी क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं, मेरे हाथों में पेपर है,
जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया कि 5-6 चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसे देखिए ये 13/12/2017 का थर्ड शिफ्ट का मेरे हाथ में पेपर है और मैं इससे क्वेश्चन नंबर 123 आपको दिखाना चाहता हूँ। 123 क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्न में से कौन सा कथन कौन सा निष्कर्ष जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप लोग सामने क्वेश्चन है, कथन कोई भी तांत्रिक ध्वनि नहीं है। देखिये मेरे हाथों में यूपीएसआई का प्रीवियस पेपर है 13/12/2017 का थर्ड शिफ्ट का। मैं आपको इससे क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि कितने क्वेश्चन जो बताए हैं उस चैप्टर से आते हैं। आपके सामने मैं भेजने का क्वेश्चन नंबर 123 आपके ब्लैक बोर्ड पे है, व्हाइट बोर्ड पे, और मैं इसको आपको दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, पढ़ें और निर्णय लें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार सही है। सही दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कथन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 123 का कथन, पहला कथन, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कोई भी पात्र वाल्व नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का कथन, कथन का निष्कर्ष दे रहा है, पहला निष्कर्ष, कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है। दूसरा निष्कर्ष दे रहा है, कुछ पात्र वाल्व नहीं है। उसके बाद मुझे 4 विकल्प देगा। पहला विकल्प क्या दे रहा है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक कथन अनुसरण करता है। बी ऑप्शन में क्या दे रहा है, दोनों कथन एक और दो अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों सही हैं। पहले में क्या कर रहा है, केवल पहला कथन निष्कर्ष सही है, और दूसरे में कह रहा है एक और दोनों सही हैं। तीसरा क्या कह रहा है, ना तो फर्स्ट निष्कर्ष और ना ही सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। डी ऑप्शन दे रहा है, केवल वन अनुसरण करता है। जैसा कि अभी आपने ये क्वेश्चन देखा, मैंने आपको बताया, अब इस क्वेश्चन का हल देख लेते हैं। कह रहा है कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, तंत्रिका कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, ये पहला कथन है, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है। दूसरा कथन क्या है, कोई भी पात्र पात्र वाल्व नहीं है, वाल्व नहीं है, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है और कोई भी पात्र वाल्व नहीं है। तो निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ धमनियां तंत्रिका हैं। तो कथन क्या कर रहा है, तंत्रिका धमनी नहीं है। तो निष्कर्ष 1 गलत, यानी कि आपका डी ऑप्शन गलत होता है। दूसरा क्या कर रहा है, कुछ पात्र वाल्व नहीं है, तो कोई भी पात्र वाल्व नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी पात्र वाल्व नहीं है, कह रहा है कथन। और क्या कह रहा है, ये दूसरा निष्कर्ष, कुछ पात्र वाल्व नहीं है। तो हूबहू कथन को निष्कर्ष में दे देना वे निष्कर्ष गलत माना जाता है। तो ऐसे ये भी ए नंबर केवल एक अनुसरण करता है और दो केवल दो अनुसरण करता है, गलत है। तब आता है बी नंबर ऑप्शन, दोनों एक और दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ना तो वन और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। अब ये 13/12/2017 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। अब इसमें दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन आपको आए हुए हैं इन 5-6 चैप्टरों से। 123 नंबर आता है, 130 नंबर
आप देखते जाइए 134 से 136 आउटपुट इनपुट था और था 151 नंबर, 153 नंबर, 154 नंबर और 156 नंबर, ऐसे 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8 इन पांच चैप्टरों से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि बहुत एक समूह नंबर देंगे आपको। 8 क्वेश्चन का 2.5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5, 40 + 0, 4 8, 2, 16, 4, 20 आपको 8 क्वेश्चन अगर आप 99% भी कर ले जाते हैं तो 20 नंबर आपको फोर्स दे के जाएंगे। तो मित्रों ये क्लास आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन आपको मैं अपने सिलेबस के अनुसार एक एक चैप्टर का बेसिक देके उसके बाद क्वेश्चन हल करवाऊंगा। धन्यवाद मित्रों, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलनात्मक अध्ययन करें, जब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा लेक्चर अच्छा लगे, हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों को हमारे चैनल पे आने के लिए कहें। धन्यवाद।